हाय ग्रीटिंग्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई एम गोना कम लाइव टुडे ऑन कू स्पेशली टू पोस्ट एंसेस्टर मैसेजेस, एंड क्योंकि आज फुल मून डे भी है। तो सबसे पहले तो राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा स्नेह आपको और आपके परिवार के सदस्यों को। विश्वास का धागा है, प्यार का धागा है, खुशियों का धागा है, यादों का धागा है, राइट। तो बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से इसे सेलिब्रेट करें और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत सारा प्रेम। तो मैनिफेस्टो मैसेजेस निकालेंगे और अभी करंटली जो मैं करने जा रही हूँ, मैं आपका लिए जेन डेक यूज़ करूँगी। तो हम आपकी जो फ्लो करेंगे वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो जो बेसिकली मुझे समझ आता है एज अ मीडियम, जो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, कलेक्टिव एनर्जी, सन मून राइजिंग अपने एंड पे आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं। सो मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे सारे हैंडल्स पर है, खूब पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं, कम्युनिटी को हेल्प करी ग्रो करने में। जैसे मैंने कहा, ये ध्यान रखना है, वो ये कह रहे हैं कि आप परिस्थिति कैसी भी हो, स्थिति कोई भी हो, कैसी भी हो, आप विनम्र रहिए, आप नम्रता का भाव रखिए, ठीक है। आपके जीवन में वो बैलेंस जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो देखते हैं हमारी कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो 3 कार्ड्स हम निकालेंगे। कितना कितना अच्छा है कि मैं आपको क्या बताऊं, कोर एनर्जी हमारी सोर्स है। सो क्रिएशन जो है इट लीन्स फॉरवर्ड, उसका मायने ये है कि जब आप ट्रस्ट करते हैं और बिलीव करते हैं कि कोई तो सुपर पावर है, चाहे आप किसी भी भगवान में मानते हो, किसी भी डीटी में मानते हो, ये वो मैसेज है जो कहता है कि आप किसी को भी माने, यू नो, एज लॉन्ग एज आपका फेथ पुख्ता है, आप उसको आनंद की दृष्टि से देखते हैं, आप बिलीव से उसको देखते हैं, तो वो आपके जीवन में खुशियाँ भरपूर लेकर आते हैं। और उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्रोमाइज़। ये हमारी पास्ट एनर्जी है, ठीक है, ये हमारी करंट एनर्जी है, ठीक है, ये हमारा पास्ट है, कुछ ऐसा जो रिफ्लेक्टिव है, मिरर प्रोजेक्शन है, कार्मिक कार्ड है ये, ठीक है। और 7 और 6 का मेल जोल है हार्मनी और पीस, यानी कि अपने पास्ट के साथ वो आपको ये संदेश दे रहे हैं कि पीस बनाइए, वो बहुत ज़रूरी है, राइट। सो जितनी दूर तक भी जा सकते हैं, जितना आप सकारात्मक रह सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है ना वो उसी तरीके से काम करती है। तो जो कुछ भी दिमाग में चल रहा है, जिस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई भी ऐसा ऐसा व्यक्ति, ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति है जिसको सोच सोच कर आपको परेशानी होती है, उसको, फुल मून है आज तो उसको रिलीज़ कर दीजिए। मतलब किसी और का बोझा क्यों ढोना है आपको, क्यों बैगेज कैरी करना है, जस्ट ड्रॉप इट, राइट। तो वो यही बोल रहे हैं कि आप अपने आप को सेंटर करिए, मेडिटेट करिए। आज इनफैक्ट बहुत अच्छा दिन है, अगर आप थोड़ा मेडिटेट करते हैं करेक्ट तरीके से तो बहुत कुछ बदल सकता है। एग्जिस्टेंस, ये भी बहुत अमेजिंग कार्ड है, और यहाँ पर हमारे पास है रिसेप्टिविटी, ठीक है। सो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सोर्स की बात कर रहे हैं। सो जब मैं सोर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो मैं ये बोल रही हूँ आप कहीं भी जाएं, किसी दिशा में भी जाएं, दिल दिमाग आपका अगर अलाइंड है, बैलेंस्ड है, तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो अपने आप को सेंटर करिए, राइट, मेडिटेट करिए, चाहे आप कोई भी यू नो पाठ सुने, पढ़ें या करें, यू नो, जिस भी तरीके से आप मेडिटेट करते हैं या भगवान से कनेक्ट करते हैं या उस पावर से कनेक्ट करते हैं, करिए, अपने आप को एकाग्र करके उसके साथ कनेक्ट करिए। और कुछ भी बर्डन है, टेंशन है, तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, बिकॉज वो आपको सर्व नहीं कर रहा है, राइट। तो आपको कोशिश करनी है, जब आप उसको छोड़ेंगे तो इंस्पिरेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, आप समझ पाएंगे कि आपको एक्चुअली में क्या करना है, राइट। तो यहाँ वहाँ अच्छाई खोजने से अच्छा है अपने भीतर भी खोजें, अपने अंदर भी देखें। ये आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको बता रहे हैं कि अपने मन को टिकाव में रखिए, और जो लोग इसका टिकाव हिलाते हैं या बैलेंस हिलाते हैं, यू नो, उनको बेसिकली हेलो हाय करिए, बस साइड पे रहिए, राइट। और कोशिश करिए कि अच्छा बोलिए, ज़रूरत नहीं है तो डोंट हर्ट एनीबडी, राइट।
ये तो बहुत बहुत ही अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव एनर्जेटिक कार्ड है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए हमें ये संदेश मिल रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा चतुराई कभी काम नहीं आती, ठीक है, इट विल नेवर पे, ये ध्यान रखिएगा। वो ये कह रहे हैं शॉर्टकट्स काम नहीं आएंगे, आधी मेहनत काम नहीं आएगी। तो जो भी काम आप करना चाह रहे हैं, चाहे आप मेडिटेट करना चाह रहे हैं, चाहे आप काम करना चाह रहे हैं, चाहे आप किसी रिश्तों को लेकर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, या बिजनेस जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे भी आपका काम ही आपको, आपकी ऊर्जा आपको बेसिकली वो रिजल्ट देगी जो आप चाह रहे हैं। तो अगर आप हर चीज़ को लेकर आप कहेंगे नहीं यार आज ऐसा है, ये जल्दी हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, अगर आप राइट वे से उसको नहीं करेंगे तो उसकी लॉन्जिविटी भी नहीं होगी, राइट। तो ये ध्यान रखिए कि आप किस तरह से बेसिकली ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको आपका अपेक्षित फल तब मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा जिस तरह से आप जो भी आप लगा रहे हैं, जो भी हम सीड लगाते हैं, बीज बोते हैं, उसको हम किस तरीके से उसकी केयर करते हैं, उसके बेसिस पे हमें हमारे हमारा रिजल्ट मिलता है, करेक्ट। तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिए कि जल्दबाजी मत करिएगा, इम्पल्सिव मत रहिएगा, ठीक है, और कोशिश करेगा कि पीसफुली जो कर सकें वो करें। अपने वाणी पे ध्यान रखिएगा, अपने गुस्से पे चेक रखिएगा, और उसके साथ साथ ये ध्यान रखिएगा कि हाँ कई बार हमें ना पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है, कुछ चीज़ें ऐसी कहनी पड़ती हैं जो शायद हमारी फितरत नहीं है लेकिन करनी पड़ती हैं, बिकॉज उससे हार्मनी बनी रहती है। तो अगर कोई कह रहा है, एक बड़ा कमाल का कोट था, पता नहीं व्हाट्सएप था या क्या था, वो ये था कि मेरा कोई अगर आपको कहे कि आज मैंने ना हाथी को उड़ते हुए देखा, तो उससे बहस मत करिए, उसको कहिए हाँ मैंने भी देखा था, मेरे छत के ऊपर से भी गया। सो समथिंग लाइक दैट। इतना कॉम्प्लेक्स है वर्ल्ड, इतना कन्फ्यूजिंग है वर्ल्ड, सिचुएशंस एक्सेट्रा, सो जाने भी दो यारो वाली अप्रोच है, उसके साथ चलिए एंड आई थिंक आप बहुत अच्छे रहेंगे। और वैसे भी फुल मून की एनर्जी है, इससे खूबसूरत एनर्जी है ही नहीं फुल मून में आज, तो ब्राइटनेस फुल मून की इतनी कमाल की है, इल्यूमिनेशन है, सेंसेशन है, अगर आप एक्चुअली कनेक्ट करेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, और आप ये समझ पाएंगे कि हम क्यों लूनर एनर्जी यानी कि मून की जो एनर्जी होती है जो आती है तो सूर्य से ही है, किस तरह से हमें अफेक्ट करती है, राइट, और स्पिरिचुअली उसके क्या मायने हैं एंड ऑल दैट, वो डिटेल का काम है, वो कभी और बात करेंगे। बट अगेन जैसे हम सब जानते हैं कि बहुत पावरफुल होती है लूनर एनर्जी, ठीक है, और जो भी आपने शुरू किया है इस समय में वो कंप्लीट ज़रूर करिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप बीच डगर छोड़ दें, जैसा कॉम्प्रोमाइज़ में आए, कि आधा रास्ता मत करिए, एश्योरेंस ये रखिए, बोल्डनेस रखिए कि हाँ ये मैं कर लूँगा या कर लूँगी। सो एनर्जी की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो आपको यही इंकरेज करें आपके एंसेस्टर्स भी कि कुछ भी शुरू करें, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे करियर है, चाहे बिजनेस जॉब, आप कोशिश करिए कि उसको कंप्लीशन तक लेके जाइए, स्ट्रेंथ से, क्रिएटिविटी से, दिमाग से, अच्छे तरीके से उसको पूर्ण करने की आप पूरी पूरी कोशिश करिए, ठीक है। और जहाँ तक बात आती है, देखिए कितना खूबसूरती से उन्होंने ये किया है शो के, लाइट रहिए, जितना लाइट रहेंगे, जितना इजी रहेंगे उतना आपको अच्छा लगेगा, राइट। और इसका इसका पर्पज़ ही यही है, ये बात ही यही करता है कि अटैचमेंट्स जो हैं हमें बहुत तकलीफ़ देती हैं, राइट, लेकिन जो आपको प्रेम भाव से जुड़ते हैं, जो प्रेम भाव से जुड़े हुए हैं, उनको डेफिनेटली समझिए, प्यार कीजिए, और उसके साथ साथ अपनी ग्रेस, अपनी जो डिग्निटी है उसको मत खोइए, स्टार्स मून नेचर के साथ कनेक्ट करिए और ग्रेटफुल रहिए, हर क्षण हर कण में उसका वास है। अगर वो नहीं है या आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको नहीं है तो कैसे ये क्लीन और क्लियर हम चलाएंगे। कोई एडवर्टाइजमेंट का बटन नहीं कर रही हूँ बट सच कह रही हूँ कि हम कैसे चला पाएंगे, राइट। सो हर डायमेंशन से इसको देखिए कि कितना खूबसूरत है, कि लाइट रहिए, ईजी रहिए, अच्छा करिए, अच्छा करेंगे तो अच्छा फील करेंगे, तो ऐसा फील करेंगे, ट्रस्ट करिए कि हाँ मैजिक होने वाला है, और मैं तो मैजिकल हूँ ही, तो उस तरह की एनर्जी में आपको एक्चुअली में चलना है, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि सौभाग्य बहुत अच्छा होता है, राइट, हम बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं एंड ऑल दैट, लेकिन किसी कारणवश हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे नहीं आते हैं जैसे आने चाहिए, राइट। सो हम कई बार कहते हैं अरे सितारों की दृष्टि ठीक नहीं होगी, अरे शायद कुछ कमी है एंड ऑल दैट, बट असलियत क्या है,
असलियत ये है कि कोई भी दुर्भाग्यजनक स्थिति जो है वो ऐसे ही नहीं उठकर आती है, उसमें जिस तरीके का कर्म हम डालते हैं, जिस तरीके का एफर्ट हम डालते हैं वो सामने आता है, राइट। सो वो जो सुंदरता है, वो जो गुण है, सद्गुण जिसको हम कहते हैं, उन्हें बनाकर रखिए, कोशिश करिए दुर्गुणों से दूर रहिए। पता नहीं करेक्ट बोला है मैंने कि नहीं, बट निंदा चुगली द्वेष मत रखिए, जैसे है यू नो ईमानदारी से उसको एम्ब्रेस करिए। और ये एक्स्ट्रा मैसेज उन्होंने भेजा रिसेप्टिविटी का, ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि जो आपकी हायर सेल्फ आपको मैसेजेस देती है, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, गाइड करती है, उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। ये वाटर एनर्जी है तो क्वीन ऑफ कप्स जैसी एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये है कि कोशिश करिए आप सुने ज़्यादा, समझिए ज़्यादा कि आपको क्या मैसेजेस वो भेज रहे हैं, यू नो बी कॉन्शियस कि आपको वो क्या बता रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि जैसे जैसे समय जाएगा आपकी रिसेप्टिविटी बढ़ेगी। जैसे कहते हैं ना कि जब वूम में बेबी होता है, जब चाइल्ड होता है, तो किस तरीके से जब मदर खाती है या जो भी लेती है, इंटेक करती है, वो चाइल्ड रिसीव कर रहा होता है, तो वो जो है बेसिकली वही अप्रोच है जो नर्चर करती है। वो फेमिनिन एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, शक्ति बहुत पावरफुल होती है। तो कोशिश करिए कि सिर्फ प्रिटेंड मत करिए कि आप सुन रहे हैं या कर रहे हैं, आप जेन्युइनली केयर करिए, ठीक है। ये एनर्जीज की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा आप अटेंटिवली चीज़ों को देखिए, लोगों को देखिए, उनके भाव को, उनकी फीलिंग्स को समझिए, हर्ट मत करिए। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे, आप एम्बॉडी करना शुरू कर देंगे, तो ये सबसे बेसिक सीक्रेट है ऑफ एग्जिस्टेंस का, ठीक है। और जब ये आ जाता है तो कॉम्प्रोमाइजेस हमारे जीवन में कम हो जाते हैं और हम सीधा क्रिएशन से, सोर्स से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत एविडेंट है, ये एडवाइस में आया है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, यहाँ पे मेरे पास फायर एनर्जी भी है, मेरे पास यू नो वाटर एनर्जी डेफिनेटली है, टॉरस एनर्जी है। कोशिश ये करिए कि आप किस तरीके से सेंसिबली अपने आप को एकाग्र करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट। इट इज़ बेटर, हमेशा अच्छा होता है कि ये कहें कि यार हाँ ये था ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो वो जो बिलीफ है, वो जो फेथ है ना, वो ही आपको आगे लेकर जाएगा, ओके। सो ये तो थे आपके एंसेस्टर मैसेजेस और गाइडेंस। तो अब हम एक टैरो पुल करते हैं, देखते हैं वो स्प्रेड के आपको और क्या देखना है और किस तरीके से आप यू नो इसको कनेक्ट कर सकते हैं इन योर जनरल इक्वेशन, करियर लव, फाइनेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूजली लोग मैंने देखा है लव में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, यू नो। सो लेट्स सी, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा अगर नहीं किया है, तो हमें हेल्प करिए ग्रो करने में, एंड आपको बहुत सारा प्रेम, शुक्रिया। चैरियट कैंसेरियन एनर्जी, यस, ये बेसिकली डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन को बैलेंस करने की एनर्जी है। उसके साथ साथ एट ऑफ वॉन्ड्स भी है, अबंडेंस सैटर्न, जैसे ही मैंने कहा कि वो मार्गी होंगे, जैसे ही वो स्ट्रेट जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपके लिए रास्ते बहुत खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी और चेंजेस आएंगे, और आप कहेंगे अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने देखा ही नहीं था आते हुए। तो बहुत ही कमाल का है, फायर एनर्जी है और डेफिनेटली कैंसर है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ओ माई गॉड, एंड देन आई हैव 10 ऑफ कप्स। इमेजिन, इससे पावरफुल कुछ नहीं हो सकता है कि जो कुछ भी आप कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में कर रहे थे वो अब आपको नहीं करना पड़ेगा आगे जाते जाते। जैसे ही जुपिटर, जैसे ही सैटर्न यू नो मार्गी होंगे फ्रॉम रेट्रोगेट, वो बट देखिएगा अपने सन मून राइजिंग में कि कहाँ कहाँ यू नो उनका ट्रांजिट अफेक्ट करा है। तो ये आपकी इमोशनल वेलनेस, आपकी स्टेबिलिटी, लाइक आपके फाइनेंसिस को, आपके प्रेम स्तर पे जो भी इक्वेशंस हैं, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रही है, बिजनेस में रुकावट है, तो चेंजेस डेफिनेटली आएंगे, पर किस हाउस में क्या है वो देखना पड़ेगा। एग्जिस्टेंस, बहुत ही उम्दा रीडिंग हो गई है। तो चलिए, सफल हो गया लाइव आना, चाहे यूट्यूब पर चाहे यहाँ। एग्जिस्टेंस दिखाइए प्लीज। मैं नहीं जानती ये रीडिंग आप कब देखेंगे, पर आप ये जब भी देखेंगे टाइमलेस है, कलेक्टिव है, आप लोगों के लिए डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ है। सो ध्यान रखिएगा, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही प्योर, बहुत ही जेन्युइन नाइट ऑफ कप्स वैसी एनर्जी कि हाँ बिल्कुल लाइट, इजी, प्यार,
ब्यूटीफुल एनर्जी, कि खुश मिजाजी वाली एनर्जी, प्रेम भाव वाली एनर्जी, और अग्रेसिव नहीं है, वो बैलेंस की एनर्जी है कि हाँ ठीक है, वी कैन डू दिस टुगेदर एंड वी विल डू दिस टुगेदर, सुंदरता की एनर्जी है, राइट। और उसके साथ साथ देखिए, सद्गुण आपको कहाँ कहाँ नहीं लेकर जाते हैं। ये जो घोड़ा है ना पीछे, वो तैयार है, सो जस्ट बी रेडी। कोई हो सकता है आपको ऑफर भी करने वाला हो, कोई ऑफर आई हो, रोजेज मिले हों या मिल रहे हों। आया राखी का त्यौहार, ये तो होली का गाना है लेकिन राखी का करके इसलिए गा रही हूँ कि अच्छा जाए आप लोगों का, और आज से जो कुछ भी शुरू करें आप, पुराने पैटर्न्स को छोड़कर आगे बढ़े। ओहो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्थिरता, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, उफ कमाल एनर्जी। नाइट से किंग का सफर आपका तय हो रहा है, और क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, काफ़ी है, राइट, अमेजिंग, मेरे लिए ये काफ़ी है। सो अब जो हमारा रिसेप्टिविटी है उसका देखते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर, एरिस लियो सैजिटेरियस है, कैंसर है, देख लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपका हो, आप किसी से डील कर रहे हो। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, इसका मतलब ये है कि सच बोलने से अगर आपको लगता है कि किसी को तकलीफ हो सकती है या होती है, तो थोड़ा सा केयरफुली, जैसे मैंने कहा ये जो क्वीन है ये नो नॉनसेंस क्वीन है, ठीक है, एयर एनर्जी है, तो हो सकता है आपका जो एक्सपीरियंस है विद समबडी जिसके चार्ट में एयर है या जमना लिब्रा है, शायद इतना अच्छा ना रहा हो, लेकिन वो ये कह रहे हैं वो संतुलन, ये दो जो कार्ड्स हैं यहाँ पर, ये संतुलन शो कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे लिए संतुलन है, ये मेरे लिए हार्ट एक इसलिए नज़र आता है कि जो भी कुछ भी हुआ पास्ट में, वो जो कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, अच्छा नहीं लगा, दिल दुखा, लेकिन अब आप वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि अब आप रिसेप्टिविटी के साथ प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी में जब आप आते हैं तो आप बेसिकली वही कहते हैं जो सत्य है, जो अच्छा है, तो आपको जो आपके पूर्वज एंसेस्टर्स एडवाइस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं। सकारात्मक तरीके से सद्गुणों को देखते हुए आगे बढ़िए। नेगेटिविटी के पडल में, छोटे से पॉन्ड में जाने से अच्छा है कि पॉजिटिविटी के ओशन में गिरें, वो बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो उसी में जाइए और देखिए किस तरह से वो आपको आनंद देता है। टेन ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ होना बहुत बहुत बड़ा संकेत है कि ये इससे बेटर कुछ और हो नहीं सकता। ये स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फैमिली वेलनेस बहुत शानदार है, उसके साथ साथ इमोशनल वेलनेस शानदार है, कि सब कुछ आपको मिल सकता है और मिल रहा है शायद, इन प्रोसेस डिपेंडिंग कि आप किस तरह से उस ऊर्जा को नेविगेट करते हैं, ठीक है। बुराई अच्छी नहीं लगती मुझे तो, ऑनेस्टली मुझे फल फूल हरियाली अच्छी लगती है, मुझे अच्छे लोग अच्छे लगते हैं जो अच्छी बातें करते हैं। गॉसिप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखी है, बिकॉज इट डजंट सर्व एनीबडी, राइट। सो मेक श्योर कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, नाइट से किंग वाली एनर्जी में आएँ और अपना रथ खुद चलाएँ, बिकॉज आपको गाइडेंस पीछे से मिल रहा है, ये सबसे पावरफुल कार्ड है, आपको गाइडेंस पीछे से मिल रहा है, जिसे कृष्ण कहते हैं कि मैं पीछे हूँ, चैरियट तुम रन करोगे, राइट। वो रथ तुमने चलाना है जिसको हम जीवन रथ कहते हैं, वो तुमने चलाना है, और किस तरह से तुम चलाओगे वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सो आपके मैसेजेस बहुत बहुत शानदार रहे हैं, कमाल के रहे हैं, तो अच्छे लगे हों तो ज़रूर हमें बताइएगा। जो सिम्बलाइज कर रहे हैं यहाँ पर फ्रीडम, लव, प्रेम, एक्सपेंशन, और इनकरेज कर रहे हैं कि अपने पंखों को उड़ान दीजिए और अच्छा सोचेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि गुड लक प्रॉस्पेरिटी आपकी हो, और आगे जैसे जैसे आप बढ़ें आपको सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस मिले, सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर वॉचिंग, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव, बाई।